भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने भाजपा पर एक किताब लिखी है जिसका विमोचन रविवार को किया गया। किताब के विमोचन के बाद से ही ये किताब विरोधकों का निशाना बनी है। विरोधकों का कहना है कि इस किताब में नरेंद्र मोदी इनकी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की गई है, ये निंदनीय है और इसका हम विरोध करते हैं। उनकी मांग है कि किताब के लेखक, प्रकाशक और जिसके हस्ते किताब का विमोचन किया गया इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस एवं शिवसेना, हम सब लोग मिलकर यहाँ पर शिवाजी महाराज के भाजपा नेता द्वारा जो अपमान किया गया है उसका निषेध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये हिटलरशाही के राजनीति में भाजपा ने सारी हदों को पार कर दिया है, महाराष्ट्र की अस्मिता को ललकार दिया है। महाराष्ट्र के दैवत, हम सबके मार्गदर्शक और हम सबके दैवत शिवाजी महाराज का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। इस तरह का जो इन लोगों ने वातावरण अभी क्रिएट किया है, बनाया है, शिवाजी महाराज के खिलाफ जो इन लोगों ने किताब लिखी है उसकी, शिवाजी महाराज साहब की जो तुलना इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ कर दी है, इस पर से इन्होंने अपनी भ्रष्ट नीतियों का और गलत तरीकों का जायजा हम लोगों को बता दिया कि ये लोग कितने बेकार लोग हैं और ये लोग आप देश के अंदर रहने के लायक नहीं बचे। इन लोगों ने महाराष्ट्र की अस्मिता को ललकार दिया है, महाराष्ट्र के अंदर किसानों का अपमान किया है, महाराष्ट्र के सब लोगों का अपमान किया है। हम सब शिवाजी महाराज के भक्त हैं, भक्त होने के नाते हम लोगों के सेंटिमेंट्स को इन लोगों ने हर्ट किया है और ये सेंटिमेंट्स जो इन लोगों ने हमारे दुखाए हैं इसके लिए महाराष्ट्र की जनता तो इन्हें माफ नहीं करेगी और हम लोग भाजपा का निषेध करते हैं और भाजपा को सरकार से आउट जो महाराष्ट्र से किया गया है, भाजपा बौखला गई है और बौखलाहट में भाजपा कुछ के कुछ कही जा रही है। तो भाजपा को अब होश में आना चाहिए और उन्होंने समझ जाना चाहिए कि उन लोगों की जो हिटलरशाही है वो देश में नहीं चलेगी। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज यांची तुलना एक भाजपा नेता नरेंद्र मोदी जी यांच्याशी करतो म्हणजे हे किती लाजिरवाणी बाब आहे। महाराष्ट्राच्या अस्मितेने या लोकांनी छेडलेलं आहे। तुम्ही कोणाचीही उपमा कोणालाही देता म्हणजे छत्रपतींच्या पायाची सर सुद्धा मोदीजी करू शकतात का? हा माझा प्रश्न आहे। ठीक आहे, ते प्रधानमंत्री आहे, आम्हाला त्यांचा मान सन्मान आम्ही सर्व करणार, परंतु याचा अर्थ हे नाही आहे की ते छत्रपती महाराजांसोबत त्यांची तुलना करतील। असं पुस्तक ज्यांनी छापलेलं आहे त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई व्हायला पाहिजे, जे ते विमोचनमध्ये होते त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई व्हायला पाहिजे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची या लोकांनी माफी मागायला पाहिजे। आम्ही सर्व इथे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाचे नेते यांचा आम्ही निषेध करतो, त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी, इथे आमची ही मागणी। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।